नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में मैं बात करूंगा तिलक वेंचर्स की। तिलक वेंचर्स लिमिटेड का ये जो स्टॉक है, इसके बारे में एनालिसिस किया है, पूरे साल की प्रेडिक्शन भी तैयार की है। इत्मीनान के साथ समय निकाल करके वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर ये इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तिलक वेंचर्स लिमिटेड इंडिया बेस्ड कंपनी है और ये फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट में और ये जो शेयर्स जो स्टॉक होते हैं उसकी ट्रेडिंग वगैरह और कमोडिटी में, इसमें सब में काम करती है। नो डाउट कंपनी अच्छी है। कंपनी का अगर मैं मार्केट कैप की बात करेंगे तो करीब 82 करोड़ का है और फेस वैल्यू इसके स्टॉक की 1 रुपीज़ है। 52 वीक्स का लो की बात करेंगे 2 रुपीज़ 93 पैसा एंड हाई की बात करते हैं तो 15 रुपीज़ 39 पैसा। अभी मैं पुराने टाइम से लेके चलता हूँ, अगर 2020 से हम लेके चलेंगे तो ये एक तरह का पैनी स्टॉक ही रहा है और इसने उस समय से अगर देखे, अगर आप 3 ईयर्स का डाटा से आप मैच करेंगे तो आप पाएंगे कि करीब करीब इसने 300% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है 3 ईयर्स में। बट अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें ये स्टॉक डे बाई डे लो की तरफ जा रहा है। लास्ट ईयर से पिछले साल की बात है कि ये करीब करीब दिसंबर 2021 में ये स्टॉक 36.25 रुपीज़ पर अपने हाई पर भी रहा है। उसके बाद से ये लगातार डाउन की तरफ, लो की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जिससे इस स्टॉक पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हुआ। तो अब मैं आगे इसका फ्यूचर बताने वाला हूँ तो उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा। और अभी ये 3.55 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, 3.55 रुपये अभी इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था। इसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है वो सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। 3.60 रुपये के आसपास का ये स्टॉक कैसा रहेगा, तो मेरे हिसाब से वन लाइन में अगर मैं बोलूँ तो ये एक अच्छा स्टॉक नहीं है। इट इज़ अ मतलब बैड स्टॉक, एक ये हाई रिस्क वाला स्टॉक है। इसमें अगर आप पूरे साल के लिए प्लान करके बैठे हैं तो ये आपको एक हाई स्टॉक मतलब हाई रिस्क वाला स्टॉक दिखाई देता है और इसमें प्रॉफिट के चांसेस थोड़ा कम नज़र आते हैं। बट अगर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले से आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले हाई प्राइस पर लिया हुआ है तो अभी आपको एवरेज कहाँ पर करना चाहिए, तो वो चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी। आप अपने स्टॉप लॉस कीजिए, कवर कीजिए, एवरेज प्राइस मेंटेन कीजिए, उसके बाद में कब और कैसे आप उसे इन आउट बाई सेल या फिर होल्ड करने का प्लान कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि कोई भी नया इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो वीडियो सुनकर बिल्कुल ना करें। सीधा सा है कि आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। हम बात करते हैं इसके कमिंग 2 वीक्स में ये स्टॉक कैसा रहने वाला है। सीधा पॉइंट की बात करना मेरी आदत है और सीधा पॉइंट की बात ही मैं करूँगा। 24 मार्च को आप देखेंगे तो ये थोड़ा अप जाएगा, 4.15 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करेगा, 4.15 रुपये। 27 मार्च को आप देखेंगे तो 27 मार्च को ये 4.10 रुपये के आसपास आपको दिखाई देगा और उसके बाद 28 मार्च को आप देखेंगे तो 3.95 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 29 मार्च को ये फिर से आपको 4.10 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में 30 मार्च को 4.15 रुपीज़ और 31 मार्च को 4.20 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करने वाला स्टॉक है। और इसके बाद आएगा 3 अप्रैल, तो 3 अप्रैल को आप देखेंगे तो 4.05 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करता हुआ आपको दिख जाएगा। 4 अप्रैल को ये 4.10 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर रहने वाला है और 5 अप्रैल को 4.15 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करता हुआ आपको दिख जाएगा। तो ये तो बात रही आपके 14 डेज के प्राइस की फोरकास्ट की। अब हम बात करते हैं अपसाइड डाउनसाइड 2 वीक्स के अंदर क्या रहने वाला है। तो अपसाइड आप देखेंगे तो 4.20 रुपीज़ इसका अपसाइड रहेगा, 4.20 रुपीज़ यानी 4.25 रुपीज़ 20 पैसे के आसपास ये अपसाइड रहने वाला है। डाउनसाइड में आप देखेंगे तो 3.15 रुपीज़ के आसपास ये डाउनसाइड में आपको दिख जाएगा। तो ये कमिंग 2 वीक्स का अपसाइड और डाउनसाइड है। अब हम बात करेंगे आगे पूरे साल की मंथ वाइज की, तो मंथ वाइज ये किधर जाता हुआ दिख रहा है और ये कैसा रहने वाला है अप्रैल में, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तिलक वेंचर्स लिमिटेड स्टॉक का प्राइस का फोरकास्ट मैं आपको पूरा 2023 का मैं बता रहा हूँ, थोड़ा इत्मीनान के साथ आप सुनेंगे पूरा वीडियो सुनेंगे। अप्रैल 2023 में आप देखेंगे कि ये मैक्सिमम प्राइस पर रहने वाला है करीब करीब 3.30 रुपीज़ के आसपास, 3.35 रुपये के या 3.30 रुपीज़ 3.35 रुपये के मैक्सिमम प्राइस पर ये स्टॉक तिलक वेंचर्स का रहने वाला है। मई की बात करेंगे, मई में थोड़ा और डाउन भी हो सकता है, करीब आपको देखने को मिलेगा ये 1.80 रुपीज़ के आसपास थोड़ा डाउन जाने की इसमें संभावना दिख रही है, ऐसा मेरा फोरकास्ट प्रेडिक्शन बताता है। अब बात करेंगे जून की, तो जून में ये हो सकता है थोड़ा और भी डाउन जाए, करीब 90 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। जुलाई में 30 पैसे के आसपास भी देखने को मिलेगा आपको, उसके बाद थोड़ा और लो भी जा सकता है। और अगस्त की बात करेंगे तो अगस्त में 35 पैसे, सेप्टेम्बर में भी 35 पैसे के आसपास ये बना रहेगा, अक्टूबर से ये इसमें ग्रोथ आना फिर से चालू होने वाली या ऐसा हमारा प्रेडिक्शन में निकल के आता है।
कि करीब ये 2 रुपीज़ और 95 पैसे में के मैक्सिमम प्राइस पे ये अक्टूबर में ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और नवंबर में ये फिर से 8 रुपीज़ 40 पैसे 45 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर जाने वाला स्टॉक है, और दिसंबर में ये 9 रुपीज़ 40 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करता हुआ आप लोगों को दिखेगा। तो ये तो रहा तिलक वेंचर्स लिमिटेड स्टॉक का पूरे साल का एक फोरकास्ट जो हमने एनालिसिस में इस पर तैयार किया, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अब रही बात इसमें, अगर अभी करंट प्राइस पर आप 1 ईयर के लिए प्लान करते हैं, बाई मिस्टेक करते हैं या कर लेते हैं, तो अभी जैसे ये 3 रुपीज़ 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है और अभी आप इसमें नया कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं 1 ईयर के लिए, तो इस स्टॉक का जो अर्निंग पोटेंशियल है बेसिकली वो आपके पैसे को डी वैल्यूड कर सकता है। मीन्स टू से कि 90% के आसपास 95% के आसपास ये और ज़्यादा आपके पैसे को घटा सकता है। तो अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इसमें नहीं दिखाई देता है, सिर्फ और थोड़ा इसमें लॉसेस दिखाई देते हैं, और जो लॉसेस कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि करीब करीब 90% के आसपास आपको लॉस दे सकता है करंट में, अगर आप सेम प्राइस पर 3 रुपीज़ 60 पैसे पर अभी इन्वेस्ट करते और 1 ईयर का लेके चलते। उससे आगे का तो अभी हमने बनाया नहीं है, तो इस साल का हमने जो आपको प्रिडिक्शन सही बैठता है, बात कड़वी लग सकती है, बुरी लग सकती है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते रहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आप डरा देते हो। तो देखिए, सही बात कहना और साफ कहना, स्पष्ट कहना, मुझे आप किसी से लालच नहीं है। सही जो भी हमारे प्रेडिक्शन में प्राइस में निकल के आता है वही मैं आपको बताता हूँ, बड़ा चढ़ा करके भी बिल्कुल नहीं बताते। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, और भी इसी तरह की किसी भी टॉपिक पर या किसी भी स्टॉक पर या फिर आप क्रिप्टो करेंसी पर के स्टॉक पर भी आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे लिख सकते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है वो भी आप लिख सकते हैं, वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करें, हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। इसी के साथ सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।